हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के ऊपर। यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट का वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के ऊपर। जो यूनिट सेकंड है वो आपका जो यूनिट सेकंड है उसमें हम बात करेंगे HRP यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड एम्प्लॉय हायरिंग के बारे में। इस यूनिट के अंदर आपको बहुत सारे नए नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन, आपका रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग प्रोसेस आपका आता है, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली दोस्तों जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपको सभी उन स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए जिनको अभी आगे चल करके HR लेना है, ठीक है। HR जो भी लोग स्पेशलाइजेशन के तौर पे चूज़ करना चाहते हैं तो वो लोग सभी लोग इस वीडियो को यानी कि इन सभी HRM के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स को अच्छे से देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड के ऊपर। जो यूनिट सेकेंड है उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, डैट इज़ जॉब एनालिसिस। तो अब ये जॉब एनालिसिस क्या है, जैसा हम लोगों को यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि जॉब एनालिसिस का करने का क्या मतलब है कि हमको कोई भी जॉब होती है उसको प्रॉपर एनालाइज करना है। यानी कि कोई भी जॉब होती है, जैसे मान लो कि आप देखो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है, एक टीचर की जॉब होती है, एक डॉक्टर की जॉब होती है, यानी कि हर एक लोगों की एक एक जॉब होती है, तो उसको प्रॉपर एनालाइज करो, उसके अंदर क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, उसमें कौन सा स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, कितना एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब मान लो कोई बीटेक करके क्या कोई डॉक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। कोई MBBS करके पता चल रहा है कि वो इंजीनियर बन रहा है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो यहां पर ये क्या है कि जॉब एनालिसिस करने का यही मतलब है कि आप देखो कि जो पर्टिकुलर जिस भी आप बंदे को हायर कर रहे हो उसका पास्ट एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, उसकी पास्ट क्वालिफिकेशन किस फील्ड में है, और आपका जो भी आप जिस भी फील्ड में हायर कर रहे हो यानी आप जो भी जिस भी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो वो पोजीशन किसके लिए है, उस पोजीशन को जानो कि आपकी जो भी पोजीशन है, जिस जो भी वैकेंट पोजीशन है, खाली पोजीशन है, उसमें क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपली, तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब। यहाँ पर हम क्या बात करें, जॉब एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, कि जो भी सारी चीज़ें, जो भी हमारी कोई भी जॉब है, खाली पोजीशन है, उसमें हम जो भी उसमें जो भी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि कौन सा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बंदे की, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या 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 उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, इन सभी चीज़ों को गैदर करो, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, एनालाइज करो, ठीक है, ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। दैट इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें आप क्या करते हो, एक तरीके का डॉक्यूमेंट लेते हो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को आप क्या करते हो, मेंशन करते हो, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, इन सभी चीज़ों को आप मेंशन करते हो, जिससे कि जो भी बंदे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप देखते होगे ना, जैसे Naukri.com वगैरह पे आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि कौन से पोजीशन की जॉब है, कितने स्किल सेट रिक्वायरमेंट है उसमें, कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। तो ये सभी जॉब एनालिसिस की हेल्प से क्या हो सकता है, यानी कि आप उस पूरे जॉब एनालिसिस को पढ़ते हो, यानी आप पूरी जॉब को, जॉब जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है आप उसको पूरा पढ़ते हो एंड एनालाइज करते हो कि आपके रिलेटेड आप वो रिलेवेंट जॉब है भी कि नहीं है, ठीक है। सो इट्स मेन एम, जो इसका मेन एम होता है वो यही होता है कि अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द जॉब इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड वे, यानी कि आपको जो भी जॉब होगी वो उसको क्लियर एंड डिटेल्ड वे में आपको पता होनी चाहिए, और साथ में जो भी आप इम्प्लॉय जिसको भी हायर कर रहे हो उसके उसको भी पता होनी चाहिए कि उसके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, उसको कितना क्या सेट क्या स्किल सेट होना चाहिए, इसका उसका कितना क्वालिफिकेशन वगैरह होने चाहिए, तो ठीक है। तो दिस हेल्प्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज इफेक्टिवली। तो अब देखो यहाँ पर सैंपल देखते हैं कि किस तरीके का सैंपल होता है जॉब एनालिसिस का। ये आपके सामने इस तरीके का बना है,
आप एग्ज़ाम में भी इसको ऐसे तरीके से एज इट इज़ बना सकते हो। तो बहुत ही कोई कठिन काम नहीं, बस स्केल की हेल्प से बनाना है आपको। डेट लिखना है, डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड बाई टाइटल, जॉब टाइटल, रिपोर्ट्स टू, देन उसके बाद में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और आप किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो, उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज और स्किल सेट कितनी रिक्वायरमेंट है और सर्टिफिकेशन कौन कौन से होने चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, और आपके जो भी जॉब है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हजार्ड्स हैं, इन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर वे में मेंशन करते हो, जिससे कि जो भी जॉब सीकर है यानी कि जो भी जॉब ढूंढ रहा है उसको सारी चीज़ें सही तरीके से पता चल जाती है, ठीक है। अगर जॉब एनालिसिस नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ों को सही तरीके से नहीं बता पाओगे, यानी आप जो भी आपके जो भी जो पर्सन है जो भी जॉब को ढूंढ रहा है आप उसको सही तरीके से नहीं बताओगे, और अगर आपने गलत व्यक्ति को चूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख लिया तो आपको भी डांट पड़ेगी, ठीक है, अपने मैनेजर से। तो ये होता है दोस्तों जॉब एनालिसिस। देख इसका फॉर्मेट हम लोगों ने देखा, अब इसका बेनिफिट्स यूज़ के बारे में बात करें तो जो भी इसका बेनिफिट्स वगैरह देखें तो बहुत ही सारा, जैसे इसके इसमें हम क्या करते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमको कौन सी जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया जा सकता है, हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो भी इफेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करना, देन ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, ये सभी इसके बेनिफिट्स और यूज हैं, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जॉब एनालिसिस के दोस्तों कंपोनेंट्स के बारे में। तो मेनली इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवेल्युएशन, ठीक है, तीन तरीके के यहां पर कंपोनेंट्स हैं। हम तीनों को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, आपको सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो JD होता है, ये जो JD है, JD के अंदर क्या होता है दोस्तों, मेनली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। आप JD को आप दूसरे नाम से समझो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो HR की अगर कोई पोजीशन खाली तो उसमें क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, ठीक है। मान लो कोई इंजीनियर की, कोई सीनियर इंजीनियर की पोस्ट खाली तो उसके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, मैन पावर हैंडल करना है, मशीन्स को देखना है, प्रोडक्शन करवाना है, ठीक है, ये सारी जो भी उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाले हैं कोई भी पर्सन के जिसको भी आप हायर कर हो, वो क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप JD बोलते हो, ठीक है। देन इसके बाद में जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन का दूसरा नाम जो है वो है जॉब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हायर करते हो तो कुछ ना कुछ आप क्राइटेरिया फिक्स करते हो, यानी कि कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल सेट कितना होना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेशन होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है जॉब डिस्क्रिप्शन वो आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन है वो आपका क्या है दोस्तों, उसके अंदर आप बात कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस, इन सभी चीज़ों के बारे में, स्किल्स और नॉलेज, एबिलिटीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो केवल आपका बेसिकली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थर्ड नंबर पे आते हैं कंपोनेंट में, दैट इज़ जॉब इवेल्युएशन। तो जॉब इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जॉब इवेल्युएशन बहुत ही यानी कि एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसको आप एक तरीके से समझो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यानी जॉब इवेल्युएशन, जैसा यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि जो जॉब का इवेल्युएट करना, यानी जॉब की इंपॉर्टेंस को देखना, इंपॉर्टेंस को समझना, और उसके हिसाब से जो भी इंप्लॉयज हैं उनको फेयर वेज प्रोवाइड करना। यहां पर इस टर्म को याद रखना कि विद द हेल्प ऑफ जॉब इवेल्युएशन इंप्लॉयज कैन गेट फेयर वेजेस, ठीक है, फेयर वेजेस उनको देना इंप्लॉयज को। अब मान लो कि जैसे आप देखो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, तो उसको आप उसकी जॉब को एनालाइज करोगे, देखो कि उसकी जॉब जो है कोई बहुत ज़्यादा, कोई उसमें ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई काम करना है या उसमें कोई बहुत बड़ा उसको तोप चलाना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब से जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उसको जस्ट बैठे रहना है और देखना है, जो भी गेट कीपर वगैरह की जो जॉब होती है नॉर्मली, ठीक है, उसमें आपको बैठे रहना है, अगर कुछ कहीं पर दिक्कत आ रही तो थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। बाकी अगर आप देखो तो प्रोडक्शन इंजीनियर की जो जॉब देखो वो कितनी ज़्यादा यू नो कि कितनी ज़्यादा टफ होती, उसको प्रोडक्शन भी निकलवाना होता है, मशीन्स को भी देखना होता है, मेंटेनेंस भी देखना होता है, एम्प्लॉय को भी, जो उसके वर्कर्स हैं उनको भी, मैन पावर को भी हैंडल करना होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यानी कि आप ये सोचो कि जो एक
सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है और जो एक प्रोडक्शन इंजीनियर की जॉब है, ठीक है, क्या उसकी सैलरी सेम होनी चाहिए? नहीं हो सकती है ना, तो उसकी सैलरी डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्यों? क्योंकि उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, ठीक है। तो फेयर वेजेस कैसे हम देखेंगे, हम फेयर वेजेस उसको कैसे देंगे? भाई जिसका कठिन काम होगा, जिसको जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको हम उसके हिसाब से फेयर वेज देंगे ना, जिसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी उसको हम ज़्यादा पेमेंट देंगे, और जो थोड़ा सा जो कम काम करेगा या फिर कम काम है जिसका और नॉर्मली बैठे रहने वाला काम है, तो उसको हम लोग कम थोड़ा सा कम पैसे प्रोवाइड करेंगे देंगे, ठीक है। मान लो जो जॉब सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको हम लोग नॉर्मली 15-20 हज़ार रुपये में देखते हैं, ठीक है, जबकि जो जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स होते हैं उन लोगों की जो जो करीब कितना ज़्यादा आप सोचो कि 80-90 हज़ार रुपये, ठीक है, या फिर और भी ज़्यादा हो सकती है। जो बाकी HOD की जॉब देखो तो HOD जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसकी उसकी हम पेमेंट और भी ज़्यादा हाई करते हैं, क्योंकि उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जॉब इवेल्युएशन के अंदर सिंपल सा मतलब है ये है, होता है दोस्तों कि इम्प्लॉयज़ कैन गेट फेयर वेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब, यानी कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस को पता करते हैं कि जॉब इंपॉर्टेंस कितनी वैल्यू रखती है, ठीक है, कितनी वैल्यू रखती है। अगर मान लो सिक्योरिटी गार्ड चला जाए तो 2 दिन तब पर भी काम चल जाएगा कंपनी का, लेकिन अगर प्रोडक्शन इंजीनियर छोड़ करके चला जाए अपनी जॉब तो हम एक घंटे भी नहीं काम करवा सकते। प्रोडक्शन अगर बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या बेचेंगे जा करके, नहीं कुछ कर सकते ना। तो हमको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंजीनियर के ऊपर, और उसकी जो भी उसकी फेयर वेजेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, 3 होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवेल्युएशन, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। तो अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि क्वेश्चन आपसे यही चीज़ पूछा जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में मेनली डिफरेंस क्या होता है। तो आप इसको बस इतना ध्यान रखना कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो आपके क्या होते हैं, मेनली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप करोगे क्या जा करके, ठीक है। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो मेनली जब भी आपको हायर किया जाता है, मान लो जब भी कोई किसी भी पर्टिकुलर आदमी को आप हायर करते हो तो एक क्राइटेरिया सेट करते हो कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप MBA करे होने चाहिए, तब जा करके आपकी जॉब लगती है, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एक तरीके का क्राइटेरिया है, ठीक है। और जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो आप करोगे जा करके, जो आपको कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में करोगे जा करके। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डैट इज़ जॉब डिज़ाइन। जॉब डिजाइन का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो जॉब डिजाइन का सिंपल सा मतलब, जैसे डिजाइनिंग करना, किस चीज की डिजाइन करना, जॉब की डिजाइन करना। अब मान लो जॉब डिजाइन का मतलब क्या है, मान लो कि अगर हम बोले कि आपको टीचर के लिए हम हायर कर रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो क्या केवल टीचर का काम केवल पढ़ाना ही है? नहीं, ठीक है, उसको रिपोर्ट कार्ड्स भी बनाने हैं, उसको अटेंडेंस भी मार्क करनी है, उसको और भी सारी चीज़ों को देखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बच्चों के बीच में, लड़ाई झगड़ा होता है, तो भी उसको मैनेज करना है, ठीक है। ये सारे जो भी काम होते हैं वो टीचर्स के होते हैं, ठीक है। तो जॉब डिज़ाइन का क्या मतलब हुआ कि एक, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर, नाम तो एक ही होगा जॉब का, क्या होगा, नाम तो एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे उनको सेट करना, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बोलें टीचर की जॉब, हमने बोला टीचर की जॉब, तो क्या केवल उसका टीचर का मतलब होता है पढ़ाना, बट पढ़ाने के साथ साथ उसको अटेंडेंस भी मेंटेन करना है, और उसको बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर भी ध्यान देना है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको भी मैनेज करना है। इन सभी चीज़ों का काम किसका होता है, एक टीचर का ही होता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम मान लो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, तो क्या केवल वो बैठा रहेगा सारा दिन, ठीक है, वो केवल बैठा तो रहेगा नहीं, उसको और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना है, कौन आया कौन गया, ये सभी चीज़ों को रजिस्टर में मेंटेन करके रखना। देखते होगे आप जब भी कभी आप जाओ तो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो आपसे पूछता है कि किस काम के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे जो भी काम होते हैं, अलग अलग काम जो भी होते हैं, उन सभी चीज़ों को मतलब एक तरीके से उसका प्रॉपर डिज़ाइन करना। जैसे अगर हम एक और भी एग्जांपल दें, जैसे स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट का मेन काम क्या होता है, पढ़ना, ठीक है, लेकिन हम पढ़ने के साथ साथ और भी कई चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, जैसे अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, अच्छी राइटिंग के ऊपर, और भी बहुत सारा अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कामों को, जो भी एक स्टूडेंट के जितने भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना। यहाँ पर देखो, आई होप कि क्लियर है, अभी देखो यहाँ पर अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब, यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं हम, और उसके बाद में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जितने भी टास्क हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जॉब के, उन सभी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे में प्लान करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितने भी उनको प्रॉपर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद में
यहाँ पर हम देखते हैं जॉब डिज़ाइन के अंदर क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है और कैसे जो अलग अलग डिफरेंट टास्क हैं उसको कैसे फिट टूगेदर, ठीक है, कैसे अलग अलग टास्क को फिट टूगेदर, ठीक है, इन सभी चीज़ों को इसके हम लोग ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स में आप ये बोल सकते हो कि जो जॉब डिज़ाइन होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है कि कंबाइनिंग डिफरेंट टास्क, यानी कि कंबाइन करते हो आप, क्या करते हो कि अलग अलग जो भी टास्क होते हैं उन सभी चीज़ों को कंबाइन करते हो इन ऑर्डर टू मेक अ इंटायर जॉब, ठीक है। अब हम अगर बोलें कि इंजीनियर की जॉब, ठीक है, तो इंजीनियर की जॉब का मतलब क्या होगा कि इंजीनियर की जॉब को बहुत सारे काम होते हैं, उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, तो केवल इंजीनियर केवल लिखने से केवल वो केवल इंजीनियर का ही काम नहीं करेगा, उसको बहुत सारे काम करने होंगे, प्रोडक्शन भी निकलवाना होगा, क्वालिटी भी चेक करनी होगी और अपने बच्चों के जो भी उसकी मैन पावर है उसको भी प्रॉपर मैनेज करना होगा, प्रोडक्शन रिपोर्ट भी बनाना होगा, क्वालिटी की रिपोर्ट्स भी तैयार करनी होगी, तो जितने भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसको पूरे सभी चीज़ों को एक तरीके से फिट करना टू मेक अ इंटायर जॉब, यानी एक जॉब को बनाने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर वैसे ही एक एग्जांपल दिया गया है कि रिटेलर स्टोर है, मान लो कि कस्टमर सर्विस को अपने इम्प्रूव करना चाहता है, तो जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है, तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का क्या केवल काम यही होता है कि केवल वो फ़ोन कॉल पर बस फ़ोन घुमाए और पूछे कि हाँ आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, ठीक है, उसका तो मेन ये काम होता ही, लेकिन उसके उस मेन काम के साथ साथ क्या क्या और काम होते हैं कि ग्रीट द कस्टमर्स को ग्रीट करना, हेलो सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, उसके बाद में ऑफरिंग असिस्टेंस, उनसे प्यार से बात करना, यानी कि असिस्ट करना कि आपको क्या चीज़ में दिक्कत हो रही है, और जो उनको दिक्कत है उसको रिसॉल्व करना, ठीक है, उसको रिजॉल्व करना यानी उसको ख़त्म करना, उसको एलिमिनेट करना उसकी दिक्कत को, और इसके साथ ही साथ में उसका फ्रेंडली और हेल्पफुल एटीट्यूड होना, उसका फ्रेंडली एंड हेल्पफुल एटीट्यूड और नेचर होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो यानी कि अगर वो फ्रेंडली नहीं होगा, अगर वो हेल्पफुल नहीं होगा तो कैसे हेल्प कर पाएगा अपने कस्टमर्स की, नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पर देखो केवल नाम क्या है, नाम के केवल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का मेन काम जो होता है वो यही होता है कि कस्टमर से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व मतलब प्रॉब्लम्स को सुनना, ठीक है, कस्टमर की उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उसको सॉर्ट आउट करना, बट उसका ये मेन काम होता है, बट उसके साथ ही साथ में उसको कैसे कस्टमर्स को ग्रीट करना है, कैसे उनसे उनके उनके उनको ऑफर असिस्टेंट करना है, यानी कि किस तरीके से उनको हेल्प के लिए देना है कि कैसे आपकी हेल्प किया जाए, और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, उससे फ्रेंडली बात करना और हेल्पफुल एटीट्यूड होना, तो ये सभी जितने भी काम होते हैं वो क्या होते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के होते हैं, तब जाकर के जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होती है उसकी एक मेन जॉब बनती है, ठीक है। तो समझ में आ गया है ना, आई होप कि क्लियर है कि जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या है। तो इसके जो पर्पज़ वगैरह होते हैं, इसका मतलब आप समझ लो कि इसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है जॉब डिज़ाइन का, कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट को बढ़ाना, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को आप देख लो, ठीक है, इसको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन काम था, जो मेन पर्पज़ था, वो मुझे यही बताना था कि जॉब डिज़ाइन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आई होप कि अगर नहीं स्टिल कोई डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम आ चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है उसको दोस्तों आप अलग अलग नामों से भी बोल सकते हो, आप इसको मैन पावर प्लानिंग भी बोल सकते हो, आप इसको पर्सोनल प्लानिंग भी बोल सकते हो, इसको आप वर्कफोर्स प्लानिंग भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसके कई नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मेनली होता क्या है, प्लान करना, ठीक है, प्लान करना, बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं कर सकते हम। जैसे कि अगर आप अगर कोई भी MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए भी आपने पहले प्लान किया होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कोई भी काम करते हो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, इसी तरीके से जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, स्ट्रैटेजिकली मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ठीक है, उनको मैनेज करना इस तरीके से कि वो प्रेजेंट आज के समय के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी वो क्या हो कि आपके लिए तैयार रहें, इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली आपके लिए वर्क करें, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग नहीं करेंगे, मान लो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं
हम मान लो इंजीनियर हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, और अगर हमारे पास में प्रॉपर बंदे नहीं होंगे, 10-15 लोग नहीं होंगे काम करने वाले, तो हम क्या प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। क्या इंजीनियर क्या प्रोडक्शन करेगा जा करके? नहीं, जितने भी उसके जो भी नीचे के वर्कर्स हैं वो लोग प्रोडक्शन करेंगे मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंश्योर करना होगा कि आपके पास में एक इनफ यानी कि आपके पास में पर्याप्त वर्कफोर्स होनी चाहिए, यानी आपके पास में पर्याप्त मैन पावर होनी चाहिए। आपको अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो 10 लोग अवेलेबल होने चाहिए, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। यही क्या होता है, मेन काम होता है एचआर का, ठीक है। एचआर का क्या मेन काम होता है कि आपको जॉब्स को प्रोवाइड करना, यानी कि जॉब्स को प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि वो बंदा अवेलेबल होना चाहिए। मान लो ऐसा तो है नहीं कि अब मान लो कि 10 लोगों का काम है, तो अगर 10 लोगों का काम है और आपके पास में है केवल 7-8 लोग, 2 लोग कम है, तो इसमें कहीं ना कहीं एचआर की दिक्कत है कि वो 2 लोगों को क्यों नहीं प्रॉपर मैनेज कर पा रहा है। और अगर 10 लोग हैं तो कुछ लोगों को पेंडिंग में भी रखना कि अगर सपोज दैट कि ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर मान लो कि 1-2 बंदे छोड़ करके भाग जाएं, तो हम इनको तुरंत से क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। इसीलिए एचआर की जो जॉब होती है एक बहुत ही यूनिक डिफिकल्ट होती है, उसको सभी लोगों से मैनेज करके रखना होता है कि अगर 2 लोग भाग भी जा रहे तो आप किस तरीके से तुरंत इमीडिएटली आप 2 लोगों को फटाक से हायर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को आप अपने पास में रिज्यूमे सीवीज वगैरह आप बना करके रखते हो कि अगर मान लो 2 लोग भाग रहे हैं तो 2 लोगों को आप तुरंत हायर कर लो, ठीक है। तो प्रेजेंट में कितने लोग अवेलेबल हैं और फ्यूचर में कितने लोगों की डिमांड है, उसके हिसाब से आप देखते हो, एनालाइज करते हो और उसकी कोई इसी के हिसाब से आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। तो इसका मतलब सिंपल सा समझो कि राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट स्किल, राइट टाइम, ठीक है। चार वर्ड्स को ध्यान रखना, राइट पीपल, राइट पर्सन, राइट राइट पीपल, राइट पोजिशन, राइट स्किल एंड राइट टाइम, ठीक है। ये चार वर्ड्स को ध्यान रखना, यही क्या होता है मेनली आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एकदम बेस्ट फिट डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस को बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप लोगों को खुद ही पता है, इतने आप टैलेंटेड हो। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस क्या होता है मैन पावर प्लानिंग का, ठीक है। तो मैन पावर प्लानिंग का अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम एनवायरमेंटल को एनालिसिस करते हैं। अगर हम बात करें कि मैन पावर की प्लानिंग हम कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं कि हमको कितनी फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर हम कोई भी मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड्स कैसा चल रहा है, कस्टमर की डिमांड बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्कफोर्स की प्लानिंग करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि यानी कि फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत और पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि करंट में हमारे पास में अभी के कितने लोग हैं। मान लो कि हमने देखा कि अच्छा सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में तो जो कपड़े होते हैं यानी कि वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, और सर्दियों में जब वूलन क्लॉथ्स ज़्यादा बिकेंगे तो हमको उसके हिसाब से प्लान भी करना होगा। और हमारे पास में हैं कम लोग, केवल 5 लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, 10 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। उसको वूलन क्लॉथ्स को बनाना, प्रॉपर तैयार करना, पूरा प्रोडक्शन का काम हो जाए, उसके लिए 10 लोगों की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि हमारे पास में करंट वर्कफोर्स कितनी है, करंट लोग कितने काम करने वाले, हमने देखा 5 लोग हैं और ज़रूरत कितने की, 10 की। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गैप के एनालिसिस कर रहे हैं। गैप का एनालिसिस करने का मतलब कि हम देखते हैं कि कितने लोग हैं और कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, इसके बीच में गैप कितना है। तो हमने देखा यहां पर 5 लोगों का और गैप है, ठीक है, उसके हिसाब से हम 5 लोगों का क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, उनको जॉब असाइन करते हैं, एंड देन उसके बाद में मॉनिटर एंड इवेलुएट करते हैं, देखते हैं कि जहां पर भी दिक्कत आ रही हो उसको हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये हो गया दोस्तों प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। टेक्निक्स की बात करें, मेथड्स ऑफ एचआरपी की बात करें, तो इसको तो छोड़ते हैं, अभी हम लोग स्किप करते हैं। फैक्टर्स भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, बस ये सभी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस की स्ट्रेटजी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल चेंजेस, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी का चेंज होना, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो कर रही है तो भी इस चीज़ से एचआरपी इफेक्ट होगी, अगर डिक्लाइन कर रही है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रुक रही है या फिर कम हो रही है, वो
यू नो घाटे में जा रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स है। अभी हम इसके लिमिटेशन की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के काफ़ी एक लिमिटेशन है। जैसे कि अगर देखो कि अगर जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है अगर वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इससे अफेक्ट होती है। ठीक है, देन उसके बाद में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ कोलेब्रेशन, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है तो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में आपको दिक्कत आती है। देन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टैलेंट की शॉर्टेज होती जा रही है, लोग स्किल्स की अपेक्षा जो भी है लोग बहुत ज़्यादा यू नो कि हम बहुत ज़्यादा अपनी डिग्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो टैलेंट का कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो रहा है, और टैलेंट शॉर्टेज होने की वजह से एचआरपी करने में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में दिक्कत आती है। देन एक्सप्लॉइटेशन यानी कि लोगों का शोषण करने की वजह से भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में दिक्कत आती है, लोग टिकते नहीं हैं। अब दोस्तों हमारी फाइनली बात आती है यहाँ पर एम्प्लॉय हायरिंग के बारे में। एम्प्लॉय हायरिंग का अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स में, तो ये क्या हो गया दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है एम्प्लॉय हायरिंग में वो होता है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस आता है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट अब हम देखते हैं यहां पर रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है। तो रिक्रूटमेंट का सीधा सा मतलब है कि इट इज अ वेरी इनिशियल, मतलब कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ द वर्कर्स डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि ये जो अगर हम देखें तो हम सही पर्सन को अगर नहीं हायर करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। ठीक है, वो कम होने लगेगी। तो रिक्रूटमेंट एक तरीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एम्प्लॉयज, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी लोगों को हायर करो, उन सभी लोगों को अट्रैक्ट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो कि पोटेंशियल हो। जस्ट सपोज दैट कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली एचआर एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, और उनको रिक्वायरमेंट है कि कोई एक ऐसा बंदा हो जो कि MBHR से करा हुआ हो, ठीक है, उसके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस हो, ये सभी चीज़ों की उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी वो क्या करेंगे, उन इस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर वो सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे, जॉब एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या लोग क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। ठीक है, तो अब उस तरीके से जितने भी लोगों के पास में 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो MBHR किया होगा, वो सभी लोग क्या करेंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास में क्या हो रहा है कि सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग 4 साल के एक्सपीरियंस है, जिनके भी पास में MBHR है, वो सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। देन उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस बाद की बात है, हम उन जितने भी लोग आएंगे उन सभी लोगों में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करेंगे, वो अभी बाद की बात है। लेकिन सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होता है, दैट इज टू अट्रैक्ट द कैपेबल पोटेंशियल एम्प्लॉयज, ठीक है, टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टू मेक अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकें सुटेबल पर्सन को चूज कर सकें। ठीक है, तो एक तरीके का ग्रुप बनाना उन एम्प्लॉयज का जो कि पोटेंशियल है, जो कि आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जॉब प्रोफाइल, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब रिक्रूटमेंट सोर्सेज। मेनली इसमें आपका जो रिक्रूटमेंट सोर्सेज है वो आपसे थोड़ा सा पूछा जाता है। तो रिक्रूटमेंट सोर्सेज का सिंपल सा मतलब है कि आप रिक्रूटमेंट करोगे कहाँ से, या तो आप अंदर के किसी बंदे को हायर कर लो जो आपकी कंपनी में पहले ही से ही काम कर रहा है, आप उसका प्रमोशन कर दो, आप उसका ट्रांसफ़र कर दो, आप उसको अपग्रेड कर दो, या रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको आप क्या करो फिर से रख लो अपनी कंपनी, उनका मान लो 60 साल पूरा हो गया और आप बोलो कि चलो ठीक है, हम तुमको हाफ सैलरी में फिर से तुमको मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं, ठीक है, तुमको ये काम करना है। तो हम ये इस तरीके से इंटरनल सोर्स हो गया। बट अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो हमको यहाँ पर नए कैंडिडेट्स को हायर करना होता है। तो नए कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में देखो तो कहीं कहीं वो सब एडवर्टीजमेंट होते हैं कि हमारे यहाँ ये पोजीशन खाली, आप इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है, या फिर आप कैंपस का रिक्रूटमेंट करते हो, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स लगाते हो कैंपस में आपके जो कॉलेज वगैरह में जो लगती है, ठीक है, नए कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए। प्लेसमेंट एजेंसीज, देन कंसल्टेंसीज, देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सभी लोग जो भी होते हैं वो एक्सटर्नल आपके एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इसको समझने में
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटरनल का मतलब अंदर, अगर आप किसी भी अंदर के जो भी पर्सन है, जो भी काम कर रहा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अगर आप प्रमोट कर रहे हो, उसको रिटायर्ड एम्प्लॉयड, कोई भी रिटायर हो चुका है एम्प्लॉय, उसको अगर आप फिर से ले रहे हो अपनी कंपनी में, तो वो इंटरनल सोर्सेज हो गए। और अगर किसी भी नए कैंडिडेट को हायर करना है तो आप अलग से बाहर से जो भी सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, जैसे एडवर्टीजमेंट करके, कैंपस ड्राइव्स लगा करके, प्लेसमेंट एजेंसीज का यूज़ करके, कंसल्टेंसी का यूज़ करके, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस क्या, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या। तो हम सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की ज़रूरत है। मान लो कि हमको 5 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट सोर्सेज कहाँ से हम देखेंगे, कि या तो अपने अंदर के एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करें या फिर बाहर से नए एम्प्लॉयज़ को हायर करें। तो हमको पता चला कि चलो हम बाहर से हायर करेंगे, ठीक है। हमको लगा कि बाहर से हायर करना हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, अगर हम अंदर के एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बाहर के एम्प्लॉयज़ को अगर हायर करते हैं तो उनको हम कम पैसे दे करके भी काम चल सकता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, उन कॉन्ट्रैक्टिंग सोर्सेज यानी उन लोगों से हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट किया उन लोगों से, जो भी सोर्सेज है उनसे कॉन्टैक्ट किया, हाँ भाई तुम इंटरेस्टेड हो हमारे यहाँ जॉब करने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन है, आओ इंटरव्यू दो आ करके। इस तरीके से हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, देन उसके बाद में जितने भी लोग आते हैं, देन उसके बाद में हमारा क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो ये मेनली 4 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर, आई होप कि क्लियर है। ठीक है, अभी हम बात करते यहाँ पर मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ई रिक्रूटमेंट। अब ये ई रिक्रूटमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो आपका ई रिक्रूटमेंट होता है वो बेसिकली किसके क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। अभी देखो, अभी हम ट्रेडिशनल वे में जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते थे तो कैसे करते थे, न्यूज़पेपर्स में छपवाया, कंसल्टेंसी का यूज़ किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर से देखा, या फिर कैंपस में जाकर के प्लेसमेंट ड्राइव्स लगाई। बट ई रिक्रूटमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली लोगों को हायर कर सकते हैं अलग अलग जॉब पोर्टल्स के थ्रू। आप देखते हो क्योंकि ऑनलाइन जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं, जैसे Naukri.com, LinkedIn हो गया, ठीक है, और आपके जितने भी अलग अलग ऐप्स हो गए, जैसे इंटर्नशाला, इन सभी के थ्रू जो भी आप हायरिंग करते हो, अपने जो भी अलग अलग पोस्ट को डालते हो, अपने जो भी जॉब एनालिसिस करके जो भी पोस्ट को डालते हो, और उससे लोग जो भी कनेक्ट होकर के, जो भी जॉब सीकर्स हैं वो कनेक्ट होकर के आप तक पहुँचते हैं, वो सभी जो भी मैथड्स होते हैं वो जो आजकल के समय में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, दैट आर ई रिक्रूटर्स। ठीक है, वही बेसिकली वही मेन मतलब होता है रिक्रूटमेंट का, आपको मतलब बताना है, और देन उसके बाद में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के बाद में आपको थोड़ा सा बताना है कि कैंडिडेट्स को वेकेंट पोजीशंस के लिए हायर करना फॉर द यूजिंग ऑफ इंटरनेट। ठीक है, पर्टिकुलरली यूजिंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से, और यहाँ पर एग्जांपल दे देना है मोबाइल ऐप्स का, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जैसे LinkedIn.com का एग्जांपल दो, सॉरी LinkedIn का एग्जांपल दो, Naukri.com का एग्जांपल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, और उसके बाद में इसके एडवांटेजेस को भी बताना है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही फिजिकल रिक्वायरमेंट प्रोसेस को, यानी कि हम देख सकते हैं कि इससे हमारी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम लगती है। अगर हम देखें तो हमको एडवर्टीजमेंट करने में अलग अलग प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज जो होती हैं उनके साथ में कॉन्टैक्ट करने में हमको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पे करनी होती है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारी कॉस्ट बच जाती है इन सभी चीज़ों से, और हम अच्छे से यानी कि किसी भी वर्ल्ड में से कहीं से भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, ये हम दोनों के लिए बढ़िया होता है, जो एक एम्प्लॉयर वो भी अपने घर में बैठ करके जॉब ढूंढ सकता है, और जो एक जॉब सीकर है वो भी अपने घर में बैठ करके जॉब ढूंढ सकता है, और जो एम्प्लॉयर है वो भी अपने ऑफिस में बैठ करके कैंडिडेट्स को हायर कर सकता है। ठीक है, और कॉस्ट भी सेव होती है, टाइम भी सेव होता है, पेन और पेपर का यूज कम होता है, राइट पर्सन और राइट जॉब के लिए इजिली फाउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेनली एडवांटेज है, बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ एक, जैसे कि थोड़ा सा मोर कॉस्टली होता है। कॉस्टली का मतलब जब आपको थोड़ा पे करना होता है, जैसे आप अगर प्रीमियम लेते हो, जब भी आप Naukri.com वगैरह का प्रीमियम लेते हो, तो उसमें तो आपको थोड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और हायर कंपटीशन, इसके में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिसएडवांटेज होता है। देन इसमें आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और साथ में डिजिटल स्किल्स आपको आनी चाहिए। कोई ऐसा पर्सन हो जो ना पढ़ा लिखा हो, या फिर उसको नहीं मोबाइल का नॉलेज हो, ना इंटरनेट चलाना आता हो, तो फिर वो ई रिक्रूटमेंट के लिए वो मतलब कि नहीं उस प्रोसेस के में वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, एंड हाइयर चांसेस ऑफ रिसीविंग इररिलेवेंट एंड स्पैम एप्लीकेशंस, और कई बड़े चांसेस होते हैं कि आपको फेक जॉब ऑफर्स भी आएँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें किसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों
सिलेक्शन, एम्प्लॉय सिलेक्शन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बात किया एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के बारे में, अब सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि सिलेक्शन अभी तक रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या कर रहे थे, कैपेबल और पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब जितने भी ग्रुप आ गए हमारे पास में, जितना भी ग्रुप आया, जितने भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ का ग्रुप आया, उनमें से बेस्ट सुटेबल को चूज़ करना है, सो दैट कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इन एचआरएम प्रोसेस इज टू डिटरमाइन हु इज़ द बेस्ट क्वालिफाइड सुटेबल एंड परफेक्ट। यहाँ पर कौन बेस्ट क्वालिफाइड है, मान लो अभी हमने देखा, अभी हम लोगों ने देखा था कि चार लोगों को, जैसे कि हमने क्या किया, मान लो कि हमको पता है कि 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, MBA HR होना चाहिए, उसमें से मान लो 15 कैंडिडेट ने क्या किया, 15 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अब हमको 15 कैंडिडेट्स में क्या करना है, बेस्ट सुटेबल को चूज़ करना है। तो अब हम उससे आराम से चूज़ कर सकते हैं ना, देख सकते हैं। उसके लिए हमको जो भी प्रोसेस करना पड़ेगा वो हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय सिलेक्शन। जैसे कि हमको एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है, उसके लिए सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, मेडिकल एग्जाम्स करवाना, रेफरेंस चेक करना, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब कि कोई उसके ऊपर लीगल केस वगैरह तो नहीं है, कोर्ट कचहरी पुलिस वगैरह का तो मामला नहीं है। तो उसके बाद में हायरिंग का डिसीजन हम लेते हैं कि हायरिंग उसको करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। देन फाइनली हम उसको क्या करते हैं कि उसका हम लोग प्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेनली काम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसको हम नॉर्मली यहाँ पर प्लेसमेंट कर देते हैं। तो ये होता है, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर से सिलेक्शन प्रोसेस। अब है हम लोग दोस्तों, वेट अ मिनट, इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस उसका ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो यहाँ पर आप सुटेबल कैंडिडेट्स को यानी कि चूज़ कर सकते हो, राइट कैंडिडेट्स राइट जॉब हो सकता है, और उसके बाद में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनकी, और कैपेबिलिटीज़ को समझ सकते हो कि कितने कैपेबल हैं, कितना वो लोग कितना अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कितना कैपेबल हैं, कितना कहाँ तक यू नो कि कितना वो कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम। ठीक है, अब इसके बाद में डिफरेंस भी पूछा जाता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ये क्या होता है, हमेशा सिलेक्शन प्रोसेस से पहले होता है, जबकि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो हमेशा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद में होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ मेरे यू नो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमने वैकेंट पोजीशन निकाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। बट सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, और जस्ट जितने भी अलग से जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है वो एक तरीके का पॉजिटिव प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, और जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसका वो क्या होता है, एक तरीके का निगेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें हम क्या निगेटिव पॉजिटिव वो क्यों है, क्योंकि हम उसमें अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉसिबल कैंडिडेट्स को, एक तरीके से ग्रुप तैयार कर रहे हैं। बट इसमें से हम निगेटिव प्रोसेस को इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हम इसमें से क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको हम भगा रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब भगा नहीं रहे, मतलब उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप सुटेबल नहीं हो, ऐसा बोलते नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बेस्ट सुटेबल चूज़ करने के लिए बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, देन इसमें मेथड्स जो भी होता है वो हम क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपको जॉब एनालिसिस एक तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना है और पोस्ट कर देना है। ठीक है, और खुद ही कैंडिडेट्स अपने आप ही अप्लाई करेंगे। बट जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपको इंटरव्यू भी लेना होता है, फिजिकल टेस्ट भी करवाना होता है, टेस्ट भी लेना होता है, मेडिकल एग्जाम भी करवाना था, तो यानी कि इसमें आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि HR। ठीक है, HR जो होता है वो कंपनी का क्या करता है, प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करता है और सही पर्सन को चूज करता है। ठीक है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें समय आपका लगता है, आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देन हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होता है, या फिर आप इसको एप्लीकेशन ब्लैंक्स भी बोल सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स का मतलब सिंपल सा वही होगा कि टू गेट द बेसिक डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट की, कैंडिडेट्स के पास में कितना एक्सपीरियंस है, कितना क्वालिफिकेशन है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, पिता माता का नाम। ठीक है, वही क्या हो गया, कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसका पास्ट डिटेल्स की उसने क्या किया है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, किस में क्या चीज में एक्सपीरियंस है, बेसिकली यहां पर से आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आपको कुछ मेनली दिखता है, यानी कि आप देखते हो यहां पर डेट क्या है उसका, एप्लीकेशन का नंबर, उसकी एम्प्लॉय ID क्या है, उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस उसका क्या, टेलीफोन, ईमेल, कितने साल से उसका पास्ट कहाँ पर एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या करेगा वो। ठीक है, उसकी करंट CTC मतलब उसका पैसा कितना बन रहा है, उसके
ठीक है, उसका मतलब उसकी सैलरी वगैरह कितनी है, और उसके बाद में सिग्नेचर वगैरह, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हम कैंडिडेट्स की बेसिक डिटेल्स को भरते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन नो अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, हम देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स की बेसिक डिटेल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर है कि पर्पज़ क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म बनाने का, इसका मेनली पर्पज़ यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, जो भी लोगों को इन्फॉर्मेशन को गैदर करो। अगर आपके पास में भाई इन्फॉर्मेशन गैदर करने का क्या मेनली काम है, जैसे अगर आप देखो कि अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़े तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो कॉलेज वाले रखते हैं, मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, आपको कुछ हो गया या कुछ, मतलब भगवान ना करे, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत मुसीबत आ सकती है, तो वो एटलीस्ट आपके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके घर परिवार वालों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यही बात होती है, तो ये चीज़ है। उसके बाद में स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन को लिए स्क्रीन और सिलेक्शन कैंडिडेट, सिलेक्ट कैंडिडेट्स करने के लिए, ठीक है, हायरिंग प्रोसेस के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का होना मस्ट है, ठीक है। देन इसके बाद में सिलेक्शन टेस्ट आता है। सिलेक्शन टेस्ट क्या है दोस्तों? सिलेक्शन टेस्ट वही हो गया कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस लेना, मेडिकल लेना, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हो। तो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर क्या है, एक तरीके का सिग्निफिकेंट टूल होता है विच आर यूज फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस को कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कैपेबिलिटीज़ को अपने वर्कर्स जो भी हैं उनको देख सकते हो कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वर्कर्स जो भी है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटीज़ को देख सकते हो। और अगर टाइप्स ऑफ टेस्ट की हम बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, इसमें हम एम्प्लॉय का इंटेलिजेंस लेवल चेक करते हैं। देन इसके बाद में अचीवमेंट टेस्ट आता है, इसमें हम उसकी नॉलेज, उसका वर्क सैम्पल टेस्ट करवा के देखते हैं, सिचुएशनल उसका तरीके का ग्रुप डिस्कशन दे देते हैं, केस स्टडी देते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, उसके सामने चार चीज़ें रख दी और चार चीज़ों में एक चीज चूज करने के लिए बोल दिया, तो इंटरेस्ट देखते हैं, उसका पर्सनालिटी देखते हैं किस तरीके से, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे बात कर रहा है, ये सभी चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टेस्ट का एक मतलब ये हो गया, और इसी में दोस्तों आता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसकी हेल्प से ही आप बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज़ करते हो, ठीक है। इट अलाउज़ एन एम्प्लॉयर टू व्यू ओवरऑल द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि किस तरीके की पर्सनैलिटी है वो एक एम्प्लॉयर एक तरीके का उसके दिमाग में बेसिक आइडिया भर सकता है कि वो कैसा, जो भी एक एम्प्लॉय है वो कैसा है, हो सकता है वो सही है भी कि नहीं सही है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ठीक है कि नहीं है, यानी कि एक तरीके का ये प्रोसेस जो होता है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, यानी कि फेस टू फेस एक तरीके का फेस टू फेस मीटिंग होती है मेनली। बट आज के समय में क्या होता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होते हैं, और जो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले इंटरव्यू भी होते हैं वो भी आपके मेनली किसमें इंक्लूड होते हैं, वो भी फेस टू फेस इंक्लूड ही होते हैं, ठीक है। बिना फेस टू फेस इंटरव्यू के आप किसी अच्छे पोजीशन में केवल टेलीफोनिक राउंड से आप नहीं सिलेक्ट किए जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि फेस टू फेस मीटिंग का होना जरूरी होता है, मतलब एक तरीके से मस्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पर बेसिक आइडिया अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, यानी इसकी हेल्प से इंटरव्यू प्रोसेस की हेल्प से जो एक एम्प्लॉय होता है उसको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके का एम्प्लॉय होगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लायक है कि नहीं है। देन इसके बाद में आज के समय क्या मॉडर्न टेक्निक्स देखें, कौन कौन से किस किस तरीके से आप इंटरव्यू लेते हो, तो टेलीफोन से लेते हो आप टेलीफोनिक इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंस से ले सकते हो, पैनल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि आपके सामने चार लोग बैठे होते हैं, जैसे IAS PCS वगैरह का एग्जाम देखा होगा आपने, सॉरी इंटरव्यू देखा होगा आपने, तो चार लोग बैठते हैं, चार लोग करके एक कैंडिडेट कर लेते, तो वो होगा पैनल इंटरव्यू। एंड ग्रुप इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका ग्रुप बनाया जाता है, मान लो कि HR एक है और जो कैंडिडेट्स हैं वो 2, 4, 6 हो सकते हैं, तो जब ग्रुप में आते हैं जो भी कैंडिडेट्स वो ग्रुप इंटरव्यू। पैनल के अंदर क्या मतलब होता है कि जो भी पैनलिस्ट बैठे होते हैं, जितने भी HR का, अगर HR का ग्रुप होता है तो पैनल इंटरव्यू, और अगर एम्प्लॉयज का ग्रुप होता है तो वो ग्रुप इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें हम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल इंटरव्यू जिसमें हम लोग नॉर्मली जाते थे और प्रोसेस होता था ट्रेडिशनल इंटरव्यू में, कि जैसे गए और जाकर के खटखटाया, हेलो सर मे आई कम इन, ठीक है, वो जो आपका नॉर्मली जो इंटरव्यू अभी भी होता है। तो ट्रेडिशनल इंटरव्यू, देन टेलीफोनिक इंटरव्यू, पैनल, मैंने बताया कि मोर देन वन HR, एक HR से ज़्यादा अगर 2-3 HR हो तो वो पैनल इंटरव्यू में आता है। देन इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, केवल आपका यू नो कि पर्सनैलिटी, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जब भी आप
खुद से अपने मर्जी से देते हो, तो वो आपका इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू होता है, जैसे आपके जो भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में कंडक्ट करवाए जाते हैं, केवल एक तरीके से आपका नो कि जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करो, जब एक्चुअल इंटरव्यू हो तो उसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो। मील इंटरव्यू तब होता है जब खाने के दौरान में, मान लो कि कोई अचार है वो आपको खाने के दौरान आपसे कॉन्टेक्ट करे, आपसे बातचीत करना चाहे, या फिर आप किसी अचार के साथ में उनसे कॉन्टेक्ट करो, उनको मील उनको डिनर पे इनवाइट करो और बातों ही बातों में आप उनके साथ में अपनी बात रखो कि मुझे जॉब की ज़रूरत है इस तरीके की, तो यानी कि उस समय उनका मूड फ्री होगा, तो उससे क्या हो सकते कि आपकी बात बन सकती है, ठीक है। देन उसके बाद में ग्रुप इंटरव्यू, यानी कि आपके पास में कैंडिडेट मोर देन वन कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट्स का ग्रुप होगा, कैंडिडेट्स बहुत सारे होंगे लेकिन जो एचआर होगा वो क्या होगा कि वो एक होगा, ठीक है। तो ग्रुप इंटरव्यू होगा, ज़रूरी नहीं कि एचआर एक हो यहाँ पर, बट हाँ कैंडिडेट्स बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू के लिए। देन वीडियो इंटरव्यू एंड नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, तो इसके अंदर क्या आता है, मेनली आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट चेक किया जाता है कि आप जजमेंटल किस तरीके से हो, आपका क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग आपकी स्किल्स किस तरीके की, इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज़ को लिया जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हो गया। दोस्तों अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस मेनली क्या होता है कि आप प्रिपरेशन करते हो इंटरव्यू की, ठीक है, आप क्या करते हो प्रिपरेशन करते हो इंटरव्यू की, यानी कि आप एक तरीके की प्लानिंग करते हो, उसके बाद में आप क्या करते हो कंडक्टिंग, यानी एक इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि क्लोज किया जाता है, ठीक है, हम तुमको बाद में बताएंगे जैसा इस तरीके से कि क्लोज कर दो इंटरव्यू को, ठीक है थैंक यू सर, इस तरीके से क्लोज कर दो इंटरव्यू को, उसके बाद में क्या होता है कि आप उसके बाद में जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो कैंडिडेट को आप बाद में बताते हो। तो ये प्रोसेस होता है मेनली इंटरव्यू का। प्रोसेस क्या होता है इसमें, मेनली आपके चार स्टेजेस होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आपका यूनिट फोर यूनिट सेकंड खत्म होता है, यूनिट थर्ड में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी अगर आपको लगे तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।